अर्जुना नीट और अर्जुना जेई एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जीतेगा, खेलेगा 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 BW, नॉलेज पे भिड़ेगा भिड़ेगा। एम्बार ने रन आउट दिया है, यहाँ पर लड़ाई हो गई है और ये धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं खिलाड़ी। करेगा 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 BW। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार है और आज हम आ चुके हैं एक महासंग्राम में जो कि अर्जुना जेई 2.0 और अर्जुना नीट 2.0 के बीच होने वाला है इस नोएडा के बहुत ही खूबसूरत से मैदान में, मैदान में जिस पर बहुत बड़े बैच खेले जा चुके हैं और उसी ग्राउंड पे फिर से अर्जुना नीट और अर्जुना जेई एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। काफी रोमांचक आपको मैच देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और यहाँ पर टॉस की तैयारी होना स्टार्ट हो गई है और अभी से कुछ क्षणों के बाद हमारा टॉस होने वाला है और टॉस बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सर। हाँ, क्योंकि इस बीच के हिसाब से बहुत ही निर्णायक होगा टॉस का जीतना और कल यहाँ पर बारिश भी हुई है, बारिश से मैदान थोड़ा गीला भी हो गया है और अभी मैदान को सुखाया जा रहा है। फील्डिंग और बैटिंग के लिए काफी मुश्किल है ये ग्राउंड, बॉलर्स को थोड़ा सा फायदा मिलेगा, स्पिनर को फायदा मिलने वाला है और जो तेज बॉलर है धीमी गति के तेज गेंदबाजों को बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए तो अर्जुना जेई 2.0 को बुलाया जाए। टीम सामने आए, कैप्टन श्री अमित सरकार जी आइए सामने। अमित सर और उनकी पूरी टीम का स्वागत है। पीछे से अर्जुना जेई 2.0 और काफी रोमांचक मुकाबला यहां पर होने वाला है। आइए कैप्टन साहब से जानते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसी तैयारी है सर आपकी टीम की? वी ऑल बिलोंग टू फैमिली ऑफ येलो लव, बस इतना कहना बाकी है। बच्चे समझ, काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस टीम बच्चों में। को पता है कौन वेटरन है, कौन हमारी टीम में धोनी है, कौन जडेजा है, कौन अंबाती राइडू है, ठीक है, कौन किसने क्या रोल प्ले करना है, सबका फिक्स्ड है। हमने तो ऑलरेडी ऑपोजिट टीम के खेल के भी दिखाई, ऑलरेडी हमने ऑपोजिट टीम को एडवांटेज दिया है। हम यहाँ पर 5 महारथी आए हैं, दूसरी टीम में हमने 6 प्लेयर दे दिया। खेली तो पांच ही ना हो। लेकिन सर आपके साइड से इंपैक्ट प्लेयर का रोल अदा करेंगे कुछ प्लेयर्स, है ना? कुछ इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे बट डेफिनेटली हमें लगता है कि इंपैक्ट प्लेयर से ज्यादा जरूरी जो हमारे ऑलरेडी इंपैक्टफुल प्लेयर हैं वही बहुत होंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया, जो बाकी सर अमित महाजन सर ने बोल ही दिया है, अब हम अपने एक्शन से बोलेंगे। ये तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक है, और धुआंधार खेलेंगे और जीतेंगे भी। एम सर अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी येलो के दिन चल रहे हैं सर, चेन्नई जी तो चेन्नई ऑलरेडी जीती थी अभी मंडे को। हाँ, दिन के भरोसे जीतेंगे कि खेल के जीतेंगे आप लोग? सर खेल के जीतेंगे, और अच्छा काफी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मुझे लगता है कि अब दूसरी टीम को बुला लेना। बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुना नीट 2.0 आ जाएं जरा। अर्जुना नीट 2.0 के कैप्टन है हरसेंद्र बाहुबली सर और उनकी पूरी टीम का स्वागत है। काफी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और जोश से भर गया नीट टीम के आते ही। आइए जरा कैप्टन साहब से जानते हैं। कैप्टन साहब कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया तैयारी है। और क्या है कि ऐसा है कि क्रिकेट गेम जो है ना, क्रिकेट गेम वो खेल के जीता जाता है, बोल के नहीं जीता जाता। और मैंने सुना है, और सर मैंने सुना है कि आपकी टीम में एक स्काई भी है और जो कि चौके छक्के बहुत तेज तेज मारते हैं। आपकी टीम का देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो कोशिश पूरी करेंगे, जान लगा देंगे, है ना? आप क्या करते हो, बैटिंग की बॉलिंग? सर ऑलराउंडर हैं हम। हाँ जी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। जी सर, नीट की टीम जेई पे। आइए एक और प्लेयर से जानते हैं। विपिन सर क्या कहना चाहते हैं आप आज के मैच के बारे में, आपकी क्या खासी तैयारी रही है? सर मैं 10 बजे पहुंच गया था तो तैयारी करी है मैंने 2 घंटे। अच्छा, और मुझे लगता है कि वो रंग भी लाएगी और जीतेंगे हम ही, कोशिश ये रहेगी कि जीता जाए। अच्छा कॉन्फिडेंस, थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस वन सर से जानते हैं। आप सर परसों से प्रैक्टिस कर रहे थे शाम को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक, तो कैसी तैयारी है अभी इस समय? सर नीट में तो लहरा पिच, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आइए चलिए, अब टॉस का समय हो चुका है और हम चाहेंगे कि अर्जुना जेई 2.0 के कैप्टन हमारे सामने आए और अर्जुना नीट 2.0 के कैप्टन आए और टॉस के रूल हैं सिक्का नहीं उछालेंगे हम, पुगाटा सिस्टम से टॉस करेंगे। पुगाटा सिस्टम युगांडा से आए, युगांडा से स्पेशली लेके आए हैं सर। चलिए टॉस हो रहे जा रहा है, सभी लोग देखें जरा ध्यान से। 1 2 3
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर टॉस जीत चुके हैं अर्चना जी, 2.2 से अमित सर टॉस जीत चुके हैं। सर आप बल्लेबाजी लेंगे या गेंदबाजी? फाइनल का समय है, जैसा कि फाइनल में हुआ था हम पहले बॉलिंग करेंगे। सर 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 इस पिच पर ऐसा क्या है कि आपने बॉलिंग चुनी? सर ये पिच जो है कल रात को भारी बारिश, सर कहीं आप सुबह सुबह में सूखा भी नहीं था, हम पूछ रहे थे कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि आप बैटिंग करके भाग जाओगे इसलिए आपने बैटिंग चुनी है? ऐसा लगता है इनको डर लग रहा है खेलने से पहले। ऐसा हो सकता है कि नीट की टीम जो है वो बैटिंग करे और कोई रन ना बना पाए और बॉलिंग ना करे और फॉरफिट करना पड़े मैच को, ऐसा जरूर हो सकता है, बट फिर भी हम उनको चांस देते हैं, ठीक है, इसी कारण हम बॉलिंग करें। आप बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या लेने वाले? सर बेसिकली अगर हम टॉस जीते तो बॉलिंग लेते हैं। ओहो ठीक है, फिर तो विन विन सिचुएशन है। चलिए टॉस की जरूरत नहीं थी फिर। चलिए बैटिंग वाली टीम से जान लेते हैं, सर आपके ओपनिंग बल्लेबाज कौन कौन रहेंगे? सर ओपनिंग में मैं और निखिल सर दोनों ही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, क्या रणनीति है, कितने रन बनाइएगा? सर वो तो बना के ही पता चलेगा कंडीशन देख के कि जितने रन बनेंगे फिर उसके बाद हमें रोकना है। सर जो कल रात आपकी टीम मीटिंग हुई उसमें क्या बातें हुई? सर उसमें यही बात हुई किसी भी तरीके से मैच जीतना है, अच्छा चाहे उसमें कुछ भी करना हो। सर हमने सुना आपकी फील्डिंग साइड थोड़ी कमजोर पक्ष रही है पिछले कुछ टूर्नामेंट में आपका देखा गया है, तो इस बार आपकी फील्डिंग में सुधार आया कि नहीं? सर लोग जो है डिप्स वगैरह मार रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं वो लोग फिटनेस को मेंटेन करने की। चलिए तो अब हम चलते हैं, मैच स्टार्ट होने जा रहा है आज से 5 मिनट के बाद और सभी टीमें जो बैटिंग वाली टीम है वो जाकर पैडअप कर लें और जो बॉलिंग वाली टीम है वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। एमआर सर आप किस टीम को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मैं तो बस दोनों टीम को सपोर्ट करूंगा, दोनों टीम के उत्साह बढ़ाएंगे और क्रिकेट का मजा लेंगे और आप सभी लोग देखिए बहुत ही मजा आई देख हम क्रिकेट एक साथ मिल के, है ना, तो चला शुरू करिए। चलिए तो अर्चना जेई 2.0 की टीम एकदम तैयार है, सारे के सारे प्लेयर मैदान में आ चुके हैं, बॉलिंग के लिए रेडी हैं। अर्चना नीट 2.0 से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं निखिल सर और हर्षेंद्र बाहुबली सर। काफी अच्छी फील्डिंग सजाई है अमित सर ने। चलिए तालियों के साथ स्वागत किया जाता है सर। इस मैच का शुभारंभ होने जा रहा है और तालियों के साथ स्वागत, स्ट्राइक पर जा रहे हैं निखिल सैनी सर अर्चना नीट 2.0 से। विश्वास के साथ अपनी बैटिंग कमान को संभालने जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है निखिल सर का, काफी फॉर्म में चल रहे निखिल सरोवर सर। इस पूरे टूर्नामेंट में निखिल सर के लगभग 450 रन बन चुके हैं, पर्पल कैप इन्हीं के पास नहीं है, ऑरेंज कैप है क्योंकि ये बॉलिंग नहीं करते बल्लेबाजी करते। चलिए गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं कौन? मैं हूं कौन काफी उत्साह में जेई 2.0 की टीम। जाकर सर को गेंद की कमान दी गई है। सचिन सर धीमी गति के तेज गेंदबाज हैं और अभी तक टूर्नामेंट में 16 विकेट इनके हाथ में और इकोनॉमी इनका 6.75324 का है। और काफी अच्छी बॉल, यॉर्कर गेंदबाजी, बहुत सही अपील किया गया लेकिन ठिकाने पर गिरी गेंद, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। और ये तो एमआर सर ये तो सचिन सर की खासियत है कि ये यॉर्कर बहुत डालते हैं, काफी अच्छी लेंथ की बॉल डालते हैं ये। अगर हम इनके आंकड़ों पर जाएं तो इन्होंने 98 यॉर्कर्स डाली अपने पूरे करियर में। काफी अच्छी बॉल, लाइन एंड लेंथ मेंटेन रखते हुए पीछे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर स्लिप में एक प्लेयर तैनात होता तो शायद ही आउट होते। एक रन और हर्षेंद्र बाहुबली स्ट्राइक पर आ चुके हैं, इस पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर हैं, 176 रन इन्होंने बनाए थे 48 गेंदों में पहले ओवर की तीसरी बॉल के साथ। बहुत बढ़िया, कमेंटेटर को नहीं मारना है, कमेंटेटर सिर्फ आप ही के लिए आज बुलाए गए हैं, आप हमें नहीं मारे। और ये दौड़ते हुए बाउंड्री तक चले गए, ये है इनर्सिया का इफेक्ट। बहुत बढ़िया, चलो अगला बॉल लेके बॉलर तैयार, काफी उत्साह। वाइड गेंद, बॉल इसी के साथ अंपायर ने इसको वाइड दिया है, एक रन का इजाफा होता हुआ, पूरी टीम उत्साह बढ़ाती हुई। बहुत ही दमदार गेंदबाजी, हाथ में एक और सटी की ओर कर ठिकाने पर गिरी, जितना अच्छा शॉट उतनी अच्छी फील्डिंग। और जैसा कि हम बोल रहे थे कि ये पिच जो है गेंदबाजों को मदद करेगी, लेकिन इस गेंद पर क्या ही कहिएगा, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। ओ काफी बढ़िया बॉल, काफी बढ़िया बॉल। चलिए अगली गेंद, रन अप बहुत तेज और ये शायद एक बाउंस करार दी जाएगी, एक रन मिलेगा इसको, एक बाउंस दिया, जी हाँ हमारे अंपायर मोहित पुनिया सर ने इसको एक ओवर की एक बाउंस, लेकिन ओवर हो चुका है, एक ओवर खत्म, चार रन, जीरो विकेट।
चलिए अब आ चुके हैं, अच्छा ओवर रहा द बॉक्स एंड से अमित महाजन, काफी लंबा रन अप, काफी लंबा रन अप, नो बॉल करा दिया और ये छक्का, दर्शक उड़ा के फील्डर बने, दर्शक एकदम उड़ा के मारले से, जाइए गेंद को उठाकर लाइए, चौथा तल्ला पे बॉल जाइत बा सीधा, फ्री निखिल सर ने फ्री हिट में दिया छक्का, चलिए अगली बॉल, काफी अच्छा रन अप और ये रहा वाइड, वाइड बॉल करा दिया, एक एक्स्ट्रा रन का इजाफा, एक रन का इजाफा और अभी भी फ्री हिट मौजूद है, फ्री हिट अभी भी कायम है, मतलब बैट्समैन के पास एक मौका खुल के खेलने का, लगता है ये गेंद भी स्टैंड में जाने वाली है और ये फुल टॉस बॉल खेला, लेकिन एक रन बाकी ले सकते हैं, काफी रिस्की था ये रन लेना, वैसे ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत तेज दौड़ते हैं निखिल सर, तेज दौड़ते हैं, अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है यहाँ, लगभग पांच कदम तय करते ही पूरी पिच कवर कर लेते हैं, अमित महाजन सर की अगली गेंद आ रही है द बॉक्स एंड से, ये क्या था, ये बहुत ही तेज घुमाया बल्ला हरसेंद्र बाहुबली ने, एक रन लेकिन बॉल जस्ट पास, एक बाउंसर का इशारा, अपने तीन बॉल में एक बाउंसर, एक वाइड और एक फुल टॉस खा चुके हैं, भारतीय क्रिकेट का सुनहरा भविष्य निखिल सैनी सर, स्ट्राइक पे निखिल सर, ऑरेंज कैप इन्हीं के पास है, बहुत ही बढ़िया उम्दा शॉट लेकिन ऊपर, बहुत बढ़िया और ये आउट की कपिल, नॉट आउट का इशारा, एम्पायर ने इसको नॉट आउट दिया है, एम्पायर की तरफ से नॉट आउट, एम्पायर ने इसको नॉट आउट दिया, काफी नजदीकी मामला था ये, काफी बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स और यहाँ पे एक जीवन दान मिलता हुआ नीट टीम को और ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल अगर ये यहाँ पर रनआउट हो जाते तो इनके पास अगला बल्लेबाज तैयार, काफी अच्छी फील्डिंग थी सही अम्बदोला की, काफी अच्छी फील्डिंग किया था, अच्छा अच्छा अर्जुना, जेई 2.0 की फील्डिंग तो पिछले चार पांच सालों में बहुत अच्छी सुधार हुआ है इनकी फील्डिंग में, एक बार फिर से बॉल लेके तैयार, अगली बॉल और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, गेंदबाज लगता है दबाव में है, दबाव में काफी जेट लैग हो चुका है, थकान दिख रहा चेहरे पे, चलिए बॉक्स एंड से खूंखार अंदाज में गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंद, खेलने का मौका, बल्ले में बॉल लग नहीं रही है, नहीं बॉल तो बल्ले पे आई थी लेकिन बैट्समैन ने अच्छा मतलब बल्ला कुछ ज्यादा ही तेजी से घुमाने का प्रयास कर रहे हैं हरसेंद्र बाहुबली, जबकि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रेट ड्राइव मारना, टेक्निक से उन्होंने अपने पूरे करियर में 4873 रन स्ट्रेट ड्राइव से मारे हैं, सर मेरा एक सवाल है आपको, ये डेटा इतना कैसे याद रहता है, मतलब ये टैलेंट है आपका, सर मैं पिछले 48 सालों से कमेंट्री कर रहा हूं, 48 साल 6 महीने से, 13 रन हो चुके हैं इस ओवर में और मुझे लगता है ये लगभग 20-25 रनों का ओवर होना चाहिए एमआर सर, और ये बहुत ही भयानक शॉट, सचिन सर की बहुत ताबड़तोड़ फील्डिंग और कलेक्टर और ये कीपर जो है, बहुत अच्छा मौका मिला, इनको सौराष्ट्र से खेलने का जो मौका मिला था कीपर को, तब भी इन्होंने 3 स्टंपिंग छोड़ी थी, काफी, और सचिन तेंदुलकर जाकर सर की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा, चलिए ओवर की आखिरी गेंद, पहले ही काफी महंगा ओवर साबित हो चुका है ये, बहुत ही ताबड़तोड़ शॉट लेकिन ऊपर लगा, हरसेंद्र बाहुबली और निखिल सर के बीच में तालमेल नहीं, क्योंकि हरसेंद्र बाहुबली सर चाहते थे अगले ओवर में वही बल्लेबाजी करें, किस्मत एक बार साथ दे सकता है, बार बार नहीं चाहिए नीट के टीम और को, क्या, और ये तो खुदकुशी करने का प्लान बना लिया था निखिल सर ने इस गेंदबाजी पर, दो ओवर के समाप्ति पे 17 रन बन गए बा नीट के टीम के, और तीसरा ओवर आ रहा है, चलिए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अभी नहीं ले सकते आप, टोटल तो सचिन सर का ये लास्ट ओवर है, सचिन सर पहला ओवर करा चुके हैं, एक दूसरा ओवर है, 6 ओवर का मैच है, एक प्लेयर 2 ओवर ही करा सकता है, जेई टीम को काफी उम्मीद सचिन जाकर से, 2 ओवर में 17 रन पिच के हिसाब से अच्छा स्कोर है, काफी उत्साहित, और तीसरा ओवर की पहली गेंद पे बहुत ही बढ़िया गेंद और ये कैच हो सकता था, कैच हो सकता था, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर, काफी बहुत ही उम्दा प्रयास, 275 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल हाथ में गई, बहुत ही उम्दा प्रयास, यकीन लक्ष्य और अर्जुन, बहुत ही उम्दा, तारीफ के लायक थी ये फील्डिंग, लेकिन अगर आप युद्ध स्तर के मैच खेल रहे हैं तो ये कैच पकड़ना चाहिए था, दूसरी बॉल, बहुत बढ़िया, अरे कमेंटेटर को ना मारे, कमेंटेटर को ना मारे, काफी रस्सा कस्सी चल रहा है बीच मैदान में, काफी रस्सा कस्सी बीच मैदान में, और ये एम्पायर के साथ लड़ाई हो रही है, एम्पायर के साथ लड़ाई हो रही है, ये 4 रन दिया, 4 रन का इशारा,
ओवर थ्रो के चार रन है, चार रन का इशारा, चार रन का इजाफा कर लीजिएगा इसमें। ओवर थ्रो ना कराए अपनी ओवर। चलिए अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट और अमित सर की बहुत ही उम्दा फील्डिंग। एक रन यहां पे बन सकता था, एक रन बन सकता था और इन्होंने अनगिनत बाउंड्रियां बचाई हैं और जीत दिलाई है टीम को, अपने टीम के लिए चार रन बचाते हुए। अगली बॉल के साथ सचिन, बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग, टेस्ट मैच लेंथ डाल रहे हैं और ऐसा ही आपको करना चाहिए। काफी बच्चों को भी सीखने वाले। और ये कोई रन नहीं, हरसेंद्र बाहुबली सर का रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने चौको चक्कों पर ही भरोसा किया है आज तक। लेकिन ये भारी पड़ सकता है नीट टीम के लिए, एक एक रन आपको, लेकिन एक एक दो रन से स्पाइक रोटेट करती रहनी चाहिए। एक एक रन की कीमत जब आप बॉलिंग, बहुत बढ़िया, ये बहुत गजब। और ये रनिंग बिटवीन द विकेट का बहुत शानदार मुजाहिरा। तीन ओवर के बाद 22 रन और लगभग अपनी गेंदबाजी में बांधे रखा है। अगली बॉल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी अच्छी रहेगी पहली बॉल, दूसरी बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अगली गेंद, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी और एक रन दौड़ के लिए, और ये हाथ में बॉल नहीं आ रही है, इनके सिर्फ बॉलिंग में ही बॉल आती हाथ में। और ये तेज, बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है, लेकिन पीछे आपको याद रखना होगा सचिन सर खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी और अगली बॉल, बहुत ही उम्दा हाथ में। लगता है निखिल सर सुसाइड करने का प्लान बना चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, दर्शकों से भरा हुआ मैदान, बीसीसीआई के सचिव हमारे साथ मौजूद, दर्शक काफी आगे बढ़ के घुमाया बल्ला, लेकिन कुछ नहीं होगा, सिर्फ होगा मोहल्ले में हल्ला। फील्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी गेंद फेंकत बारे, और अगला गेंद देखा ही है। चलिए बहुत बढ़िया शॉट हाथ में और बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहिरा, फील्डिंग के अपने टीम के लिए चार रन बचाया सचिन तेंदुलकर ने। फील्डिंग से भी मैच जीते जाते हैं ये सचिन सर ने बताया है, इसका मतलब आप देख सकते हैं, जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पर। राइट आर्म बट्टा स्लो, राइट आर्म बट्टा स्लो, गेंदबाजी संयम सर की तरफ से। क्या बोलते हैं इसको, कह सकते हैं कि असली खिलाड़ी अभी उतारा है जेई टीम ने मैदान पर। जी हाँ, और ये सीधा फुल, अरे भैया ये तो बहुत कमाल का शॉट मारा है, चार रन की संख्या बढ़त जात वा, पहले और बॉल में चार रन, दूसरा नो बॉल, नो बॉल और फ्री हिट मिलेगी आपको इस पर, नो बॉल पर फ्री हिट मिलेगी, और ये ओवर थ्रो, लेकिन पीछे जाके लगा है अंपायर, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, अंपायर ने इसको फ्री हिट दिया है। अगला बॉल, चलिए अगली बॉल, अगेन फ्री हिट है, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर, नो बॉल, निखिल रन मशीन सैनी उठा नहीं पाए यहाँ पर, अंपायर के साथ नो बॉल थी उसका फायदा। अमित महाजन सर काफी आक्रोश में, अमित महाजन सर दबाव बनाते हुए अंपायर ने रन आउट दिया है, अंपायर का निर्णय मानना होगा, आप बहस नहीं कर सकते अंपायर के निर्णय के ऊपर, प्लेयर बहस नहीं कर सकता है, और यहाँ पर लड़ाई हो गई है, और ये धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं खिलाड़ी हमारे धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, और ये यहाँ पर मांगे कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो और हर सर को फ्री करो, यहाँ पर नारेबाजी कर रही है। पांचवें ओवर की एक बॉल 32 रन, अगेन ये बहुत बढ़िया, सीधा मरले बारे घुमा सचिन सर के हाथों के बीच से निकल गई, छह रन का इशारा अंपायर का, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और ये हवाई फायर यहाँ किया है, हवाई फायर के एकदम गर्दा उड़ा दिया, दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक, इसको जाइए और स्टेडियम के बाहर से उठा के लाइए, बाहर गेलवा शॉट, और ये फिर से, और अगला शॉट बहुत ही प्यारा शॉट, तैयार, दो रन, 40 रन, 40 रन हो चुके हैं, 40 रन हो चुके हैं, और ये बहुत ही बढ़िया, और दौड़ दिया, दौड़ लगा दिया, दो रन बनाया जा सकता है, और ये ओवर थ्रो, और विरत दिशाहीन थ्रो होता है, और इनको इनको बोला जाता है जडेजा, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन दम हाथ में यहाँ पे रन नहीं है, नहीं काफी लेट, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट, अगली बॉल आती हुई, ओ ये फुल टॉस बॉल, और ये सीधा सचिन सर के हाथ में, हाथ में पांच ओवर के साथ, चलिए पांच ओवर 40 रन और एक विकेट, और इस मैदान पर 40 रन बहुत ही अच्छा स्कोर है, और सामने से चलिए आखिरी ओवर हिमांशु सर के पास, केमिस्ट्री की मारती, वाइड बॉल का इशारा, काफी अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे बैट्समैन ने, और ये काफी अच्छा स्कोर होगा डिफेंड करने के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट उठा के खेला, चार रन और उठा के मरल सीधा आराम गेंद गिरलवा, और अगला गेंद के बहुत ही बढ़िया 6 रन, ये वही ओवर है जो टारगेट करते हुए देख रहे थे, बहुत ही बढ़िया 6 रन, बहुत बढ़िया निजी स्कोर इनका, बहुत अच्छा, और ये नो बॉल, और ये फ्री हिट होगी, काफी खराब फ्री हिट होनी चाहिए, ये नहीं होगी, वाइड बॉल है, साथ एक रन, नहीं वाइड बॉल है, ये दोनों जब आमने सामने आए थे तो पिछली बार निखिल सर ने 40 रन मारे थे इनके एक ओवर में। अगली बॉल काफी स्लो, बहुत ही बढ़िया,
और ये कोई रन नहीं, कोई रन नहीं, कोई रन नहीं, दो रन मानेंगे इसको। और 54 रन बहुत ही अच्छा स्कोर है यहाँ पर, और इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर आज बनने जा रहा है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग बॉलर के द्वारा, बहुत अच्छी फील्डिंग, पैर से बॉल रोकते हैं, शॉट तो मार ले रहे हैं बहुत जोरदार, लेकिन अगला बॉल लेके भरतवारे बॉलर, और ये सीधा बहुत ही बढ़िया शॉट, दो रन, 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 दो रन मिल जाएगी। 56 हो चुके हैं, 56 हो चुके हैं, अगली बॉल लेके, अगली बॉल वाइड गेंद नहीं है, नहीं, एम्पायर ने इसको वाइड नहीं दिया है, अगर आप चाहें तो डीआरएस ले सकते हैं। 57 रन जीत के लिए चाहिए जेई टीम, जीत के लिए 57 रन चाहिए, इस मैदान का ये सबसे सर्वोच्च स्कोर है। खेलेगा खेलेगा जीतेगा, खेलेगा 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 PW, नॉलेज पे खेलेगा खेलेगा PW। चलिए भाई, आगाज कैसा भी हो अंजाम अच्छा होना चाहिए, इसी सोच के साथ अर्चना जेई की टीम मैदान में उतरती हुई। चलिए बीच मैदान में उतर चुके हैं अमित महाजन सर और संयम बदोला, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, राइट आर्म फास्ट, ये बाउंड्री तेज गति के तेज गेंदबाज, पहली गेंद आ रही है मैच का शुरू, और पहली गेंद बहुत ही उम्दा, काफी अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और बल्लेबाज पहले भाग रहे हैं, दूसरी गेंद, दूसरी गेंद, अच्छा रन अप, और ये उम्दा गेंदबाजी, और निखिल सर की बढ़िया फील्डिंग, अपील, अपील, बहुत बढ़िया फील्डिंग, लेकिन आउट नहीं है, एम्पायर ने आउट नहीं दिया है, साथ अपील कर रहे हैं ये, 150.5 मैच में इन्होंने अभी अंपायरिंग करी है। चलिए तीसरी गेंद, बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही खराब, दो रन, दो रन, दो रन, फोर पे लगी है, व्हाइट बोर्ड पर चार रन मिलेंगे, तीन गेंद पांच रन, और अमित सर का निशाना बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया, ओके ओके, और यहाँ पे रन आउट मिल सकता है, संयम बदोला सर एकदम बहुत तेज तेज रन आउट, यहाँ पे रन आउट, और संयम बदोला जो कि पिछले तीन मैच के जो शतक वीर अर्ध शतक वीर रहे हैं, लेकिन इस मैच में वो एक रन के निजी स्कोर पर आउट होते हुए बहुत ही बढ़िया रन आउट किया है, विकेट साबित हो सकता है टीम के लिए ये, और इसी के साथ मैदान में एक नए जोशीले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जाकर सर हमारे साथ, चार बॉल पांच रन एक विकेट का स्कोर है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, और सचिन सर महेंद्र बाहुबली काफी जोश माथे पर कफन बांधकर उतरे हैं आज, काफी लंबा रन अप लेते हैं ये, क्या बॉलिंग है, और ये जो बाउंड्री से रन अप लेते हुए आते हैं ना, काफी उत्साह, काफी उत्साह के साथ, बहुत ही बढ़िया, फुल टॉस गेंद को मिस किया यहाँ पर, फुल टॉस गेंद को मिस किया, एक ओवर पांच रन एक विकेट, एक विकेट, निखिल सरोवर सर के हाथ में बॉल है, और डगआउट में बैठे हुए संयम सर के चेहरे पर मायूसी, देखे के भाई यहाँ का हुई अगली बॉल पर, ये बहुत बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी अच्छा बॉल, बढ़िया फील्डिंग, अच्छी शॉट और उससे अच्छी ज्यादा फील्डिंग, चलिए अगली बॉल, नीट टीम की तारीफ करनी होगी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इनकी, और एक बाउंस, पहली बाउंस इस ओवर की, नीट टीम की तारीफ करनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉलिंग, उससे ज्यादा अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छा शॉट, चार रन, स्ट्रेट ड्राइव, चार रन, चार रन का इशारा, चार रन का इशारा यहाँ पर, सीधे मारले बारे घुमा के सीधे बल्ले से खेलते हैं, छह हजार पांच सौ रन बना चुके हैं, और ये अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा बढ़िया बॉलिंग, फील्डिंग, संयम बडोला सर को जो रनआउट किया है वो अब तक का इतिहास का सबसे तेज रनआउट, व्हाइट बॉल फेंका इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन अगेन ब्लू टीम को येलो कार्ड, और ये बहुत ही इस प्रकार के अगर इवेंट हो जाए इस प्रकार के तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, देखने को मिला, ये सीखने वाली बात है, फेयर प्ले अवार्ड में इनको 10 नंबर दिए जाते हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया कसी हुई गेंदबाजी, ओवर 9 रन 2 ओवर एक विकेट, भट्टा स्लो बॉलर द बॉक्स एंड से, अगर लगता है ये वही ओवर है, और यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं, नहीं, काफी खराब तो, और ये बाउंड्री के पास जाते हैं, चार रन का इशारा, इस टीम की मैंने पहले ही बताया था आपको, गेंदबाजी बहुत कसी हुई है, लेकिन फील्डिंग इनकी बहुत कमजोर, ये कमजोर पक्ष है इनकी फील्डिंग का, यहाँ पे जो भी देखने को मिला, चलिए बहुत बढ़िया था, अगली बॉल बहुत ही उम्दा शॉट, और ये लगता है चार रन हो पाएंगे क्या, नहीं दो रन, रन आउट दो रन, दो रन, दो रन मिला, चलिए आगे अगला बॉल आता हुआ, और ये काफी तेज शॉट मारा, फील्डिंग बहुत जबरदस्त, और ये रन दौड़ते हुए, रिटर्न हुआ है, नीट टीम बहुत अच्छा ओवर कर रही है, चलिए आगे चलते हैं, अगला बॉल
बहुत ही बढ़िया बॉल एम्पायर ने भाई नहीं दी, आपके पास डीआरएस मौजूद है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बॉल। ओ नो बॉल, अंपायर नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा इसके साथ यहां पे, और ये फ्री हिट मिलता हुआ। चलिए फ्री हिट है, अमित सर अगर इस फ्री हिट का फायदा उठाते हैं तो ये काफी करीब हो जाएंगे। काफी अच्छी बॉल, वाइड बॉल, अगेन फ्री हिट मौजूद है, वाइड बॉल, एक रन का इशारा, एम्पायर का फ्री हिट का दोबारा से इशारा। चलिए अगला बॉल द बॉक्स एंड से आते हुए पवन सर, और ये बहुत ही साधारण सी गेंदबाजी, अरे और ये रन आउट हुए यहाँ पे, रन आउट। अमित सर उस तेजी से दौड़े नहीं जो चुस्ती किसी टीम को जिताने के लिए चाहिए, वो चुस्ती अमित सर में नहीं दिखी। और ये एक अनुभवी खिलाड़ी बीच में मैदान में, अगली बॉल, और बहुत अच्छा हिट, हवा में बल्ला घुमाया, स्टंप करने की कोशिश भी हुई, बिना देखे बल्ला भांज दिया है। तीन ओवर 18 रन, और अगले तीन ओवर में इनको लगभग 14 का रन रेट यहां पर चाहिए इनको। चलिए इंपैक्ट प्लेयर आ चुके हैं द स्काई सर, हिमांशु सर काफी अनुभवी खिलाड़ी, चलिए विपिन सर के हाथों में गेंद मारे थे, और नहीं यहां पे, और ये बॉल बल्ले से ही नहीं लगी, करने की कोशिश, पूरी नजर बॉल पे रखनी पड़ेगी, काफी डिसिप्लिन गेंदबाजी, बहुत बढ़िया, ओके काफी अच्छा, और यहां पर रन आउट छूटता हुआ। चलिए अगली बॉल, अच्छा सचिन सर, और यहां पर रन आउट छूटता हुआ, चार रन, हरसेंद्र बाहुबली सर ज्यादा जोश में आ गए, और जोश में उन्होंने टीम को चार रन का इशारा यहां एम्पायर का, तो गलती करी है, ये भारी पड़ सकता है, और यहां पर एक कैच भी छूटता हुआ, बहुत ही बढ़िया, बहुत तेजी से भागते हुए स्काई सर का, आउट नहीं है, पहुंच चुके हैं बल्लेबाज। चलिए बहुत बढ़िया, ओ नहीं, बल्लेबाज बॉल को देख नहीं रहे हैं, बल्लेबाज भांज रहे हैं, बॉल को ध्यान से देखें, बॉल एकदम देखें और फिर स्ट्राइक, यही होता है, बाहर बॉल को देखकर अटैक करें, बाहर बैठ के बोलना, ये देखिए ये, और ये काफी, लेकिन ये हाथ में दिया। चलिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, विपिन सर ने फील्डिंग भी अच्छी की, बहुत बढ़िया शॉट, और ये शॉट चार रन मिलना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पर एक रन बनना चाहिए था, लेकिन सचिन सर ने वापस किया क्योंकि अगले ओवर में उनको स्ट्राइक लेनी थी, और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 12 बॉल में 32 रन चाहिए, क्या एक ओवर, और ये सेकंड लास्ट ओवर काफी महत्वपूर्ण होता है, अगर इसमें 20 रन आ गए तो ये जीत सकते हैं, लेकिन बॉल हरसेंद्र बाहुबली के काफी कम, हरसेंद्र बाहुबली सर की पहली गेंद, और यहाँ पर पहली गेंद खाली निकली है, 5 बॉल में 32 रन, और रन दौड़ने वाले थे, अरे नहीं हुई यहां, और अति उत्साह में यहां पर बॉल छोड़ी, जो येलो कलर है उसका मतलब शान नहीं रखा जेई टीम, येलो कलर की शान आज, शॉट काफी अच्छा, सर सचिन सर ने यहां पर 6 रन मारे, बहुत बढ़िया, 9 बॉल में 26 रन, बहुत बढ़िया शॉट, एक और शॉट, लेकिन ये बहुत ऊपर लगी है, काफी रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है ये मैच, और यहां पर हवाई फायर करने होंगे, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, कमाल लाजवाब बैटिंग यहां पर चाहिए हमें, बहुत बढ़िया उम्दा शॉट, 6 रन, नो, काफी रिस्क लिया इनको बॉलिंग देखे, ये 6 बॉल में 26 रन, लेकिन काफी मुश्किल होगा, काफी मुश्किल होगा, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, काफी मुश्किल होगा, 6 बॉल में 26 रन लिया है इस इंटरनेशनल मैच के फाइनल में। ओ हिमांशु क्या तुम रन बना, छुपे हुए रुस्तम निकल सकते, ओ ओ, और ये बॉल एक रन आता हुआ, 5 बॉल में 25 रन, 4 छक्के क्या लगा पाएंगे एमआर सर, काफी शांत व्यवहार के, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा 22 रन 4 बॉल में, आज देखते हैं 3 गुना लगान कौन सी टीम भरेगी, नीट टीम या जेई टीम, इनकी टीम इनको हार्दिक पांड्या के नाम लगान भरना पड़ेगा, काफी शांत, ओके, काफी यहाँ पे खराब बैटिंग, धार किस बात का है, जब धार मध्य प्रदेश के धार से आए हैं, इसलिए धार है इनमें, काफी बहुत बढ़िया, और ये चार रन का इशारा, और 3 बॉल में 18 रन चाहिए, देखते हैं 3 छक्के क्या पड़ेंगे, 3 छक्के, ओ एक फुल टॉस को मिस कर दिया, अगर गेंदबाजी मैं एक सिंपल गेंद भी डाली तो यहाँ पे फ्री हिट मिलने वाला है क्या, स्टार्टिंग में बोला था कि बोलने से कुछ होता नहीं, अगला बॉल लेके भाग, आखिरी गेंद इस मैच की, और ये मारने वाले बहुत जोरदार, लेकिन और यहाँ पर अर्जुना नीट 2.0 जीत चुकी है, नीट की टीम जीत चुकी है यहाँ पर।
और आइए हम जानते हैं और मायूस हरसेंद्र बाबूजी सर से, कोई बात नहीं, अगली बार ये भारत का सुनहरा भविष्य है। आइए सर आपसे इंटरव्यू कर लें। सर आपकी बहुत धारदार गेंदबाजी रही और आपने कप्तानी रोल निभाया है और आपने अपनी टीम को, जीत आपके लिए कितना मायने रखती है? सर जीत बहुत मायने रखती है और मेरे जो गेंदबाज रहे हैं, मेरे जो टीममेट्स रहे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। अपने सारे किरदार उन्होंने निभाए जो उनको दिया गया है और लोगों की सभी क्या मतलब, मैं अकेले या किसी इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस नहीं है, सभी ने बहुत मेहनत करी। सर देखा जाए तो आपकी टीम ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था पहले हाफ में, लेकिन वो गेम चेंजर ओवर था जो सर हिमांशु सर का, तो उसके बाद सर क्या परिवर्तन हुआ टीम में, हलचल सी मच गई? देखिए 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 हम बताते हैं, ये सब कुछ प्लान था। मैं बताता क्यों हार के बाद आदमी बात, मैं बताता हूं, वो देखो मैं बता रहा हूं क्यों प्लान था। आईपीएल खत्म हो गया, ठीक, चेन्नई किंग्स जीत गई, सुपर किंग्स हमें बहुत, दूसरे की जीत पे कब तक खुशी मनाओगे? सुनिए सुनिए, ठीक है, और उसका येलो कलर था, बट अब क्या आने वाला है, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें येलो कलर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ब्लू कलर किसका है? इंडिया का। किसको जीतना चाहिए? इंडिया को।